आह्वान किया था और एक इंटरनेट पर कैंपेन चलाया गया, जिस कैंपेन के माध्यम से लगभग 28 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं जो अंकिता जी के पिताजी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। पूरी दुनिया से हजारों लोगों ने इस परिवार के लिए अपने संदेश, अपनी संवेदना और अपनी सांत्वना भेजी है। दूसरी चीज, अभी परिवार से बात की है, उनके पिताजी से बात की, उनकी बहन से बात की, उनके दादाजी से बात की है। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कहाँ हैं? मुख्यमंत्री कहाँ हैं? झारखंड के ये दरवाजे पे अभी तक आके खड़े क्यों नहीं हुए हैं? और उनके भाई तो यहाँ से खुद MLA है, वो कहाँ पर है? क्या ये बेटी का नाम अंकिता है इसलिए नहीं आ रहे? अगर ये नदीम अंसारी होता तो यहाँ मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट इस दरवाजे पे खड़ी होती? सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है, वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था। आगे सरकार गंभीर होती, सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी और वो बच्ची यहाँ तड़प रही थी। क्या इस प्रकार से आप, अगर नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? दुनिया में कहीं भी लेके जाते इलाज कराते बच्ची का, एक बच्ची आंखों के सामने तड़प तड़प के बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी और आप उसे मरने दे रहे हो? आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का, आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से MLA है जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है इस दरवाजे पे आके परिवार के कंधे पे हाथ रखना। ये मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है। और मेरे को ये कहना है कि आज ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है लेकिन सरकार साथ नहीं है। पूरे दुनिया के लोग अपने संदेश भेज रहे हैं, सांत्वना भेज रहे हैं लेकिन सरकार गायब है। ये बहुत पीड़ा की बात है और झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। PFI का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा क्या? मास्टरमाइंड क्यों, कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है। ये किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, ये सुनियोजित मर्डर है। इसमें लव जिहाद के एंगल से जांच होनी बहुत जरूरी है। और ये समझना होगा कि जो भी लोग इस मामले पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं वो तुष्टिकरण की वो गलती कर रहे हैं जिसकी कीमत हम सबकी बेटियों को और बहनों को चुकानी पड़ेगी। ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। सरकार क्यों खामोश है? क्यों क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? मैं तो आपसे तथ्य रख रहा हूँ कि नदीम अंसारी का हेलीकॉप्टर आया कि नहीं आया, इलाज कराने भेजा कि नहीं भेजा, तो अंकिता के लिए क्यों नहीं उड़ा हुआ हेलीकॉप्टर, क्यों पिकनिक खत्म नहीं हुई सरकार की, ये पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये पूछने के लिए आए हैं, अब तो बिटिया नहीं रही ना, अब इस दरवाजे पे आप नहीं आ सकते क्या? दो बूंद आंसू आपकी आंखों में नहीं दिख रहे? आपका MLA यहाँ से गायब है इलाके से। ये लुईस मरांडी जी खड़ी है परिवार के साथ, पहले दिन से खड़ी है, सब लोग देख रहे हैं। निशिकांत जी खड़े हैं यहाँ पर, मनोज जी दिल्ली से यहाँ पर आए हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, विधायक नहीं आ रहे हैं। चुनी हुई सरकार मामले की लीपापोती कर रही है, DSP के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो DSP अभी तक हटाए क्यों नहीं गए यहाँ से? कैसे अपने पद पर बैठे हुए हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है।